हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं जालक नियतांक से क्या तात्पर्य है। दर्शाई कि एक घनाकार जालक के लिए जालक नियतांक की वैल्यू a इक्वल टू स्मॉल n m अपॉन में कैपिटल n रो की पावर 1/3 होती है ना। तो सबसे पहले हमको जालक नियतांक को समझना पड़ेगा, किसमें, घनाकार जालक में, है ना, और फिर उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए एक क्रिस्टल संरचना प्रदर्शित है जिसमें अणु क्या है, एक पीरियडिक या एक आवर्ती क्रम में एक दूसरे से बंधी हुई है। और ये आवर्ती रूप में किस प्रकार से बंधी हुई है, एक घनाकार जालक के रूप में बंधी हुई है, है ना, जिसके प्रत्येक कोने पर क्या है, एक एक अणु प्रदर्शित है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये एक अणु, ये दूसरा अणु, ठीक है, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवा और आठवा, है ना, ये इस प्रकार से यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ये अणु की जो क्रमबद्ध व्यवस्था होती है वो कहलाती है जालक। क्या कहलाती है, जालक। ठीक है, मतलब एक अणु की सहायता से, विभिन्न प्रकार के एक निश्चित अणु की सहायता से क्या है, एक जालक बना हुआ है जिसको अपन बोलेंगे एकल जालक या एकल कोष्ठिका, है ना। और इसमें अणु क्या है, एक निश्चित क्रम में स्थित है, और इसी जालक की क्रमागत व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल बोलेंगे। और ये किस रूप में है, घनाकार रूप में है, है ना। अब मान लो कि ये जो जालक है वो घन के रूप में है, तो हमें पता है कि घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई कैसी होती है, समान होती है, है ना। और ये प्रत्येक भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं कि कितनी है, ए है। कितनी है, ए, मतलब लंबाई ए है, चौड़ाई भी ए है, और ऊँचाई भी क्या है, ए ही है, है ना। लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई, ठीक है, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी और ये ऊंचाई होगी। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कैसी है, समान है। तो इस समान लंबाई वाले भुजा को हम क्या बोलेंगे, जालक नियतांक बोलेंगे, क्योंकि ये वैल्यू नियत है। ये जो भुजा है ना, इसकी वैल्यू कैसी है, नियत है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे जालक नियतांक। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम जालक नियतांक, जालक नियतांक, है ना। ठीक है, तो ये घनाकार जालक है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई हम नियत ले रहे हैं ए, तो इस नियत लंबाई को हम जालक का क्या कहेंगे, नियतांक कहेंगे। और इसी की वैल्यू को हमको क्या करना है, फाइंड करना है ना। तो ये घनाकार जालक है, तो ये घनाकार जालक कितने प्रकार के हैं यहाँ पर, या एकल कोष्ठिका कितने प्रकार की हो सकती है, एक सरल एकल कोष्ठिका हो सकती है या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल हो सकता है, दूसरा इसमें एकल या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में क्या है, आठों कोनों पर आठ परमाणु स्थित होते हैं। उसी प्रकार से एक अंतःकेंद्रीय एकल कोष्ठिका होती है दूसरे प्रकार की, जिसके आठों कोने पर अणु के अतिरिक्त उसके केंद्र में भी क्या रहता है, अंतःकेंद्रित बोला है, तो उसके केंद्र में भी एक परमाणु क्या रहता है, निहित रहता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, ये व्यवस्था आठों कोनों पर आठ अणु तो है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त उसके केंद्र पर भी क्या है, एक परमाणु स्थित है या एक अणु स्थित है। ठीक है, ये वाली उसकी व्यवस्था होगी। तीसरा प्रकार आता है एकल कोष्ठिका का, वो होता है फलक केंद्रित एकल कोष्ठिका, है ना, मतलब उसके आठों कोने पर आठ अणु या परमाणु स्थित होने के अतिरिक्त उसके फलक के केंद्र पर भी, है ना, मतलब इसके कितने फलक रहेंगे, कितने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः फलक, है ना। तो इस छः फलकों के केंद्र पर भी क्या है, एक एक परमाणु स्थित है, मतलब इस फलक के ये वाला एक परमाणु हो गया, इस फलक पर ये वाला परमाणु हो गया, इस फलक पर ये परमाणु हो गया, इस फलक पर ये परमाणु हो गया, सामने वाले फलक पर ये परमाणु हो गया, पीछे वाले फलक पर ये परमाणु हो गया, है ना। मतलब उसके आठों कोनों पर आठ परमाणु स्थित होने के अतिरिक्त उसके फलक के, प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी क्या होता है, एक एक परमाणु स्थित होता है, है ना, ये इसकी स्ट्रक्चर है, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसकी जो संरचना है एक तरीके से कैसी है, घनाकार है। और इसी घनाकार जालक के लिए हमको जालक नियतांक ए की वैल्यू निकालना है, मतलब उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई यहाँ पर कितनी है, ए मान रहे हैं, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ए की वैल्यू निकालना है हमको जालक, है ना। तो जालक नियतांक क्या होगा, किसी घनाकार जालक के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या रहती है, ए एक नियत रहती है, और इसी नियत लंबाई की भुजा को हम उसका जालक नियतांक कहते हैं। ठीक है, अब मान लो कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है,
है ना। अब इसको स्टार्ट करते हैं, माना क्या यहाँ से अब देख पा रहे हैं, माना घनाकार जालक, क्या माना एक घनाकार जालक की यूनिट सेल की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, ए है ना। और इसी प्रत्येक भुजा की लंबाई को हम क्या बोलेंगे, उसका जालक नीतांक कह रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई यदि ए है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ए गुना ए गुना ए कितना हो जाएगा, ए की पावर क्यूब, है ना। तो यूनिट सेल का आयतन कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू ए की पावर क्यूब, है ना। ये तो हो गया उस यूनिट सेल का आयतन। अब उस यूनिट सेल में क्या, यदि उस यूनिट सेल के क्रिस्टल के पदार्थ का घनत्व यदि कितना है, रो है, और आयतन कितना हो गया यूनिट सेल का, वी है, तो यूनिट सेल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यूनिट सेल का द्रव्यमान होगा रो ए की पावर क्यूब इंटू कितना, रो, क्यों, क्योंकि घनत्व बराबर कितना होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, है ना, कितना होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन, तो घनत्व कितना लिखा है अपन ने, रो इंटू आयतन कितना है, ए क्यूब, ठीक है। तो यूनिट सेल का द्रव्यमान एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए क्यूब इंटू कितना, रो, ठीक है। और इसी यूनिट सेल के द्रव्यमान को हमको प्रत्येक यूनिट सेल के द्रव्यमान के बराबर उसको निकालना है, मतलब ये वाली वैल्यू निकालना है हमको। अब जो यूनिट सेल लिया था उस यूनिट सेल का द्रव्यमान कितना है, ए क्यूब इंटू कितना, रो। अब उस यूनिट सेल में क्या रहेंगे, यदि प्रत्येक यूनिट सेल, क्या माना यदि प्रत्येक यूनिट सेल में जालक बिंदु की संख्या कितनी है, एन है। मतलब हमने देखा था कि जालक बिंदु एक यूनिट सेल में कितने होते हैं, आठ, है ना, घनाकार जालक की बात की थी, इस टाइप से लिया था ना अपन ने, कैसे लिए थे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, है ना। तो इसमें क्या माना है, माना प्रत्येक यूनिट सेल में जालक बिंदु की संख्या कितनी है, प्रति यूनिट सेल जालक बिंदु की संख्या कितनी है, एन है। मतलब ये एन उसमें क्या है, जालक बिंदु है, कितने हैं, एन इक्वल टू आठ, कितने हैं, एन इक्वल टू कितने हैं, आठ हो गए, है ना, संख्या एन है। और क्रिस्टल का अनुभार, इस क्रिस्टल का अनुभार कितना है, कैपिटल एम है, ठीक है। और एवोगैड्रो संख्या इसमें कितनी है, कैपिटल एन है, ठीक है। तो प्रत्येक अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान की बात करेंगे तो द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, उसमें क्रिस्टल का अनुभार बटे एवोगैड्रो संख्या होती है ना। तो स्मॉल एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल एन। और यदि प्रत्येक अणु का द्रव्यमान यदि स्मॉल एम है और उसमें अणु कितने हैं, है ना, प्रत्येक, मतलब ये जो प्रत्येक अणु जो दिख रहा है, इस प्रत्येक अणु का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल एम है, और उसमें अणु कितने हैं, एन अणु है, तो प्रत्येक यूनिट सेल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, फिर स्मॉल एन इंटू कितना, स्मॉल एम। और स्मॉल एम की वैल्यू रखेंगे हम कहाँ से रखेंगे, यहाँ से वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो स्मॉल एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल एम अपॉन में कैपिटल एन, ठीक है। तो समीकरण यहाँ पर एक और समीकरण दो जो दिख रहा है ना आपको, कौन सा, ये वाला समीकरण एक और ये वाला समीकरण दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, ऊपर समीकरण एक में प्रत्येक यूनिट सेल का द्रव्यमान है, और नीचे भी क्या है, प्रत्येक यूनिट सेल का द्रव्यमान है, और ये दोनों द्रव्यमान कैसे है, सेम है। तो हम समीकरण एक और दो की तुलना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समीकरण एक से लेंगे ए क्यूब इंटू कितना, रो, इक्वल टू समीकरण दो से लेंगे हम कितना, एन इंटू कितना, कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल एन, ठीक है। तो ए क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो जो आएगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो रो आ जाएगा यहाँ पर,
तो ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल एन कैपिटल एम अपॉन में एन रो, ठीक है। अब ए क्यूब है तो अपने को ए की ही वैल्यू निकालना है, तो उसकी पावर क्यूब है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, घनमूल में आ जाएगा। तो घनमूल में आएगा तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। तो यही वैल्यू अपनी निकल कर आएगी, ए इक्वल टू कितना स्मॉल एन एम अपॉन में स्मॉल एन एम अपॉन में कितना कैपिटल एन रो अपॉन में कितना आ जाएगा, 1/3, है ना। तो यहाँ से ये देख सकते हो आप, ए इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, एन एम अपॉन में कैपिटल एन रो की पावर 1/3, है ना। ये क्या कहलाता है, जालक नीतांक ए का मान कहलाता है ना। अब सरल घनाकार जालक में स्मॉल एन इक्वल टू कितना रहेगा, 1, मतलब प्रत्येक अणु अपने निकटतम एक एक अणु से क्या रहेगा, संबद्ध रहेगा, ठीक है। तो ये जो अणु है वो क्या हो जाएगा, सरल घनाकार जालक में एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ समीकरण एक में एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल एम अपॉन में एन रो की पावर 1/3, ठीक है। वैसे ही फलक केंद्रित घनाकार जालक की बात करेंगे तो उसमें एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, मतलब अपने निकटतम कितने परमाणु से जुड़ा है, 4 परमाणु से। तो एन की जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 एम अपॉन में एन रो की पावर 1/3, है ना, की पावर 1/3 है। उसी प्रकार अंतः केंद्रित घनाकार जालक में एन इक्वल टू कितना रहेगा, 2, मतलब एक परमाणु अपने निकटतम 2 परमाणु से जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो एन इक्वल टू 2 लिखा है तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एम अपॉन में एन रो की पावर 1/3, है ना, जहाँ एन क्या है, जालक बिंदु की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू निकाल दी, किस प्रकार से निकाली है, तो सबसे पहले उस जालक की प्रत्येक भुजा की लंबाई यदि ए है तो उसको हम नियत लंबाई को हम क्या देंगे, जालक नियतांक बोलेंगे। और उस यूनिट सेल का आयतन कितना हो जाएगा, यदि भुजा ए है तो आयतन हो जाएगा ए क्यूब। उसके बाद में क्रिस्टल के पदार्थ का घनत्व यदि कितना है, रो है, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा कितना, आयतन इंटू कितना घनत्व, या घनत्व गुना आयतन के बराबर होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन के सूत्र से, ठीक है। तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आयतन इंटू घनत्व। तो यहाँ पर हमने लिखा है कितना, ए रो इंटू कितना, ए क्यूब इंटू कितना रो, और इसी वैल्यू को हमको क्या करना है, यूनिट सेल का द्रव्यमान यदि इतना है तो उसमें बताना है कि प्रत्येक यूनिट सेल का द्रव्यमान उसमें जो परमाणु रहते हैं तो उसके आधार पर कितना होगा। तो यदि उसमें परमाणु की संख्या कितनी है, एन है ना, या जालक बिंदु की संख्या कितनी है, एन है। क्रिस्टल का अनुभार यदि कैपिटल एम है और अवोगैड्रो संख्या कैपिटल एन है तो प्रत्येक अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, स्मॉल एम इक्वल टू अनुभार अपॉन में अवोगैड्रो संख्या कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल कैपिटल एन। और उसमें यदि अनुभार या प्रत्येक अणु का द्रव्यमान यदि कितने आ गए, स्मॉल एम है, तो उसमें एन जो है, जालक बिंदु की संख्या कितनी है, स्मॉल एन है, तो प्रत्येक यूनिट सेल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू कितना कैपिटल एम, ए स्मॉल एन इंटू कितना स्मॉल एम, स्मॉल एम की वैल्यू रखेंगे कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एन। और समीकरण एक और दो की तुलना कर देना है तो वहाँ से आपकी ए की वैल्यू निकल कर आएगी, है ना, और ए की वैल्यू आएगी कितनी, एन स्मॉल एन कैपिटल एम अपॉन में एन रो की पावर 1/3, है ना। और उसमें सरल घनाकार जालक में एन इक्वल टू 1 रखना है, फलक केंद्रित घनाकार जालक में एन इक्वल टू 4 रखना है, और अंतः केंद्रित घनाकार जालक में एन इक्वल टू 2 रखकर ए की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। थैंक यू।